जबलपुर पुलिस ने 2 माह पूर्व एक बुजुर्ग महिला के घर में हुई चोरी का खुलासा किया है। खुलासे में पाया कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग महिला के किराएदार ही थी। पुलिस ने बताया कि 27 सितंबर को गड़ा फाटक के पास रहने वाली उमा देवी नामक एक बुजुर्ग महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 वर्ष पहले उनके पति की मौत हो चुकी है और उनका बेटा और बहू अलग रहते हैं। 16 सितंबर को जब उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा कि उसके लॉकर में 1.5 लाख रुपए नगद और सोने के जेवरात चोरी हो गए हैं। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर जांच के दौरान पाया कि बुजुर्ग महिला के मकान में किराए से रहने वाली नेहा चतुर्वेदी घटना के कुछ दिन बाद मकान खाली करके चली गई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर जब किराएदार नेहा से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात कबूल की। पुलिस ने नेहा को चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। ये फरियादिया श्रीमती उमा देवी है। ये इनके पति जीसीए में काम करते हैं, इनको पेंशन मिलती है। ये अकेले रहती थी और इनके यहाँ चोरी हो गई थी आज से 2 माह पहले, और जिसमें इनके लगभग 1.5 लाख रुपए और कुछ सोने चांदी के जेवर गए थे। तो हमने इन्वेस्टिगेशन की, इनका प्रकरण पंजीबद्ध करके, तो इनके पास एक महिला किराएदार रहती थी श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी मिश्रा, और वो चोरी का अपराध घटित होने के बाद, रिपोर्ट होने के बाद 15 दिन के बाद ही उन्होंने मकान को खाली कर दिया था। तो कुछ संदेह पद स्थिति हमें नज़र आई। जब हमने पूछताछ की तो उनका चोरी में शामिल होना पाया गया, जिन्हें आज हमने गिरफ्तार किया है। और इस चोरी में हमने लगभग 1,80,000 का माल मसरूका बरामद किया है। कितने लोग शामिल किए? फिलहाल तो अभी एक ही महिला का आया है और उनके बयानों के आधार पर ऐसा कोई साक्ष्य नज़र नहीं आया है कि कोई दूसरे लोग शामिल हो, लेकिन फिलहाल हम और भी बारीकी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जबलपुर से आशीष पात्री की रिपोर्ट।